आदर अभिनंदन, आभार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रगेश, आपका मैथ्स गुरु, स्वागत करता हूं महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बड़ी खुशखबरी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया था, क्योंकि आज आईबीपीएस ने इसका रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि ये एग्जामिनेशन मोर देन 5000 वैकेंसीज के लिए कंडक्ट हुआ था, और इसमें इसमें अगर मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है। 19 को हुआ है, 20 को हुआ है, 26 को हुआ है, सितंबर में एग्जामिनेशन हुआ है। वहीं सेकेंड फेज में ये एग्जामिनेशन 2nd and 4th January 2021 को भी कंडक्ट हुआ था। तो इन सभी शिफ्ट में जिन भी विद्यार्थियों ने एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए भाई खुशखबरी है कि वो अपना रिजल्ट आईबीपीएस की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है साइट पर, वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का गिवन फॉर्मेट में उसे एड फिल करके पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पर कैप्चा फिल करके रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल को फिल करके आप लॉग इन करके अपना रिजल्ट स्टेटस आज चेक कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर चलिए प्रीलिम्स निकल गया, अब मेंस एग्जामिनेशन कब होगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो इसका मेंस का एग्जामिनेशन है वो आपका होने वाला है कब, वो आपका होने वाला जो अभी तक टेंटिव डेट है वो 20th फेब को इसका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में प्री और मेंस दो ही एग्जामिनेशन होते हैं फॉर सिलेक्शन। तो कहते हैं भाई देखो, प्री जो होता है वो ऑल अबाउट एलिमिनेशन होता है। आप एलिमिनेशन से निकलकर आप नेक्स्ट फेज में आ गए हो, मेंस सिलेक्शन के फेज में आ गए हो, तो अब सारी कहानी यहाँ मेंस एग्जामिनेशन की है। और इस मेन एग्जामिनेशन के अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये मेंस एग्जामिनेशन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। यहाँ 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं, मतलब ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन का, आपकी तैयारी को देखने के लिए और आपको एक ऑफिसर बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं तो यहाँ पर इस 200 क्वेश्चंस में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं, तो रीजनिंग आपका आता है, जो 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके 50 मार्क्स के। अगर हम यहीं पर बात कर दें और क्या आएगा, मैथ्स आएगी या न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, यहाँ पर मैथ्स भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका मैथ्स आएगा ये आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर दें नेक्स्ट क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के, 40 मार्क्स के। देन कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर आता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन होते हैं आपके 20 मार्क्स के। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आईबीपीएस आरआरबी में कि आप हिंदी और इंग्लिश में किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करते हैं, तो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से, इंग्लिश या हिंदी के अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के 40 क्वेश्चन कोई एक, या तो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में से आप जिसको भी चूज करते हैं उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं। तो बिल्कुल आपकी तैयारी अपनी पक्की रखिए, 20th फेब को एग्जामिनेशन है, ज्यादा से ज्यादा एसटी दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक्स अटेम्प्ट करिए, और तब तक के लिए फिर अपने ख्याल भी रखिए और काम रहिए। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, अगर आप एक फेज क्वालिफाई कर चुके हैं तो डेफिनेटली अब आप मेंस भी क्वालिफाई करेंगे। इसी विशेष के साथ महिंद्रा परिवार आपको ऑल दी बेस्ट कहता है, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।